पथरा थाना के गांव सहरी बुजुर्ग गांव में उस समय कोहराम मच गया जब देर रात खाना खाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में इन सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां घर की बुजुर्ग महिला श्यामराजी, उसकी बहू बिंदरावती और उसकी 3 वर्षीय बेटी रजनी की मौत हो गई। वही घर का मुखिया शत्रुघ्न व उसके 2 बेटों को बचा लिया गया। सभी 3 बचे लोगों का पासी के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि शत्रुघ्न अपनी माँ, पत्नी और 3 बच्चों के साथ खेती बाड़ी कर परिवार का पालन पोषण करता था। कल रात खाना खाने के बाद घर की महिलाओं ने चाय बना कर पी और शौच के लिए खेत को गई, जहाँ 3 की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाते जाते 3 की मौत हो गई, जबकि घर के मुखिया और 2 बच्चों ने चाय का सेवन नहीं किया था, इसलिए वे दोनों बच गए। शत्रुघ्न के पड़ोसियों की माने तो खाने में कोई जहरीला पदार्थ खाने से ही इन 3 की मौत हो गई है, जबकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल जांच की जा रही है। देखिए, शहरी बुजुर्ग गांव है, पथरा थाना क्षेत्र में पड़ता है, सिद्धार्थ नगर में। तो वहां पर कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ विषाक्त पदार्थ खा लेने से 3 लोगों की काफी तबीयत बिगड़ गई है, जिसमें एक 65 वर्ष की थी श्याम राजी और एक बिंद्रावती थी 35 वर्ष की और एक बच्ची 3 वर्ष की है। तो ये हॉस्पिटल ले जाए गए, लेकिन फिर वहाँ पे वो बचाए नहीं जा सके। अब ये समग्रता में पुलिस जांच कर रही है, उनके स्वाब्स वगैरह लिए गए हैं, जो खाना उन्होंने खाया है वो भी पदार्थ लिया गया है, पुरुषों ने भी खाना वही खाया है और वो ठीक है। वो हॉस्पिटल में ले गए थे उनको, लेकिन उनके कोई सिम्टम नहीं पाए गए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कोई चटनी वगैरह बना के इन्होंने खाया है, या कुछ लोगों का ये कहना था कि चाय कोई पी है, जो इन्हीं 3 ने जो है वो कंज्यूम किया। और पीछे जो है वो खेत है, वहाँ प्याज की खेती है, वहाँ पर ये 3 गए थे और वहीं से तबीयत बिगड़नी शुरू हुई है। तो समग्रता में साक्ष्य संकलन हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज भेजी गई हैं। जो भी साक्ष्यपरक और सत्यतापरक आएगा एविडेंस, उसके अनुरूप ही हम लोग कार्रवाई करेंगे।